छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ से मुख्यमंत्री निवास तक अपनी आवाज पहुंचाने बड़ी संख्या में जिले भर से महिलाओं ने पैदल यात्रा निकाली। मातृशक्ति के सम्मान में छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने 13 जुलाई से डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी मंदिर के दर्शन कर पैदल यात्रा निकाली। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन में पूर्ण शराबबंदी किए जाने की मांग को लेकर मातृशक्ति के बैनर तले कई जिलों में महिलाओं ने पैदल यात्रा निकाली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पहुंचकर महिलाएं अपनी मांग करेंगी और ज्ञापन सौंपेगी। इसी कड़ी में दुर्ग पहुंची महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के अध्यक्ष जीत यादव की टीम ने पटेल चौक दुर्ग पहुंचकर पैदल यात्रा में निकली महिलाओं का फूलों से स्वागत किया, साथ ही उनके इस आंदोलन में अपना समर्थन जताया। इस संबंध में पैदल यात्रा में निकली महिलाओं और युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो, क्योंकि जब सरकार आई थी तब बोले थे कि सरकार उनकी आते ही शराबबंदी होगी करके, लेकिन अभी सरकार का अंतिम बजट सत्र, अंतिम विधानसभा सत्र आ रहा है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करे करके। बात करने से कुछ नहीं होता है, उनको एक्शन लेना चाहिए और पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। एक हाथ में एक बार बोलते हैं कि हम लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं और बाद में बोलते हैं स्वयं को जागरूक होकर नशा छोड़ना है करके। पहले स्वयं जागरूक, मुखिया होने के नाते पहले स्वयं तो जागरूक हो और शराबबंदी करे, उसके बाद अपने आप सब ठीक हो जाएगा। इसलिए डोंगरगढ़ से पद यात्रा करके माननीय भूपेश बघेल जी के निवास भिलाई में जाएंगे। कल रविवार 16 तारीख को ज्ञापन है। ज्ञापन विधानसभा सत्र से 2 दिन पहले इसलिए दे रहे ताकि उनको याद रहे कि घोषणा पत्र में उनको घोषणा करनी है शराबबंदी की 18 जुलाई को। इन लोग 13 तारीख को शराबबंदी हो माता को याद दिलवाने भूपेश बघेल के माँ बम्लेश्वरी के चरण में पूजा अर्चना करके इन लोग निकले थे। उनका हम लोग युवा मोर्चा भी सम्मान किए उस वजह से, और हम समर्थन करते हैं क्योंकि ये भूपेश बघेल मातृशक्ति के साथ जो चलाव किए हैं, जो झूठा वादा किए हैं, उनको वादा निभाना चाहिए। ये लोग सरकार में आएंगे बोल के आते साथ शराब बंद करेंगे बोले थे। आज 4.5 साल हो गया, शराब बंदी नहीं हुआ है। आज हम युवा मोर्चा महिलाओं के सम्मान में है, खड़े हैं और ये इनका समर्थन करते हैं मातृशक्ति का, और हम लोग उनके साथ हमेशा साथ में चलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।